समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर गश्त करते हुए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक व युवती संदिग्ध नजर आए। टीम ने उन्हें रोका और उनके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से 14 किलो 363 ग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों को पकड़कर थाने लाया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुनील राय निवासी प्रयाग चक थाना औराई जिला मुजफ्फरपुर बिहार और शांति सिंह निवासी नखास पिंड थाना मरसलानी जिला पटना बिहार बताया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बरामद गांजे को वह उड़ीसा से लेकर आ रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए वह ट्रेन बदलते हुए आ रहे थे। झांसी से वह इस गांजे को बेचने के लिए जयपुर राजस्थान जा रहे थे, लेकिन इससे पहले वहीं उनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।